हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश बराबर रूट वाई एंड y जीरो बराबर अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट टू सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, नो सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या चेक करना है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और अल्फा इक्वल टू जीरो पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर रूट वाई, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम। तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन रूट वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब अगर इंटीग्रेशन कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें यहां से ये, तो ये हो जाएगा रूट वाई का क्या होगा। अगर रूट वाई का इंटीग्रेशन देखें तो इसको हम लिख सकते हैं रूट या वाई टू द पावर माइनस वन बाई टू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, और ये हो जाएगा इनका जो सम होगा वो वन बाई टू, या इसको लिख सकते हैं टू वाई टू दावर वन बाई टू या टू रूट वाई, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये हो गया इसका इंटीग्रेशन टू रूट वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई बराबर जीरो पुट, एक्स बराबर जीरो पुट करते हैं। तो लेट एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हमने जब जीरो लिया तो यहां पे आ गए हमारे पास टू, और एक्स बराबर जीरो पे वाई बराबर क्या है अल्फा, टू रूट अल्फा इक्वल टू सी, ये हो गया। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं टू रूट वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू रूट अल्फा। अब फिर से अगर हम यहां से देखें, अगर अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो रूट हो सकते हैं, यानी प्लस अल्फा प्लस रूट अल्फा लिख सकते हैं, माइनस रूट अल्फा, ये हो जाएगा। यानी जैसे अल्फा, सपोज अल्फा इक्वल टू फोर है और फोर ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास इसके जो रूट आएंगे, ये तो जब अगर फोर है, अल्फा इक्वल टू फोर है तो एक बार तो टू आएगा और माइनस टू आएगा, तो इस तरह से हमारे पास इसके दो रूट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास, जब अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये हो गया हमारे पास। तो जो ऑप्शन था हमारे पास कि जिसमें दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो ट्रू हो गया, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। अब सेकंड देखते हैं, अल्फा इक्वल टू जीरो, अगर अल्फा इक्वल टू जीरो है तो ये टर्म जो है जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में एक्स बराबर टू रूट वाई ओनली एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो यहां से कहेंगे जब एक्स इक्वल टू, जब ये हमारे पास अल्फा इक्वल टू जीरो है तो ओनली एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब अल्फा इक्वल टू जीरो, जो डी ऑप्शन था वो भी ट्रू है, और एक ये स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास दिया हुआ था कि एटलीस्ट टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए, एटलीस्ट नहीं ओनली, और एटलीस्ट नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ मैक्सिमम में और मिनिमम में फिक्स दो सॉल्यूशन है, फिक्स दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ऐसे और क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।